अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना ब्लॉगर हमजा जी और आज एक और वीडियो के साथ जी मैं हाजिर हूं। आज की वीडियो में जी आपको पारव्यू के बारे में जितनी भी अपडेट्स हैं अभी तक की वो सारी की सारी दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि काम कहां पे कहां जारी है और किस किस तरह है। लास्ट वीडियो में जी मैंने आपको अपनी कमर्शियल की डिटेल्स दिखाई थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कमर्शियल बन रहा है और इंशाल्लाह हम विद इन टाइम बल्कि बिफ़ोर टाइम हम उसको डिलीवर करने के कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको बिफ़ोर टाइम जो है वो डिलीवर कर दें। तो अभी जी मैं स्टार्ट करता हूँ आज एच ब्लॉक से, जो कि पहला ब्लॉक है पारव्यू में एंटर हो के। तो एच ब्लॉक से जी आगे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या बन रहा है और कितने घर जो है ना वो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे जी हो रही है प्रोग्रेस, घर लोग बहुत ज़्यादा बना रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ एच ब्लॉक सबसे पहले, उसके बाद हम बारी बारी जो साथ साथ ब्लॉक आता जाएगा वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो जी अब मैं एंटर होने लगा हूँ जी एच ब्लॉक में और आपको दिखाता हूँ कि एच ब्लॉक में क्या प्रोग्रेस है अभी। चले जी अब जो है ना हम एंटर हो गए हैं जी एच ब्लॉक में और आप देख सकते हैं इस साइड पर मेरा जो है ना वो सारा एच ब्लॉक है। तो आपको जो है ना वो दिखाता हूँ कि यहाँ किस तरह से लोग जो है ना वो घरों की कंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दी है और कितना ज़बरदस्त ब्लॉक जो है ना ये तैयार हो रहा है एच ब्लॉक। ये जी पहला घर है जिसमें मैं आया हूँ और जी मेरे आगे ट्रक खड़ा हो गया, मुझे लगता है ये नहीं हटेगा, मुझे ही हटना पड़ेगा। नहीं नहीं उसको समझ आ गई है कि पीछे गाड़ी है तो मैं थोड़ा सा जो है ना रास्ता दे दूँ। ये देखें जी एक और घर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये सामने, जो सॉइल टेस्टिंग वगैरह करवा रहे हैं और वो सारा। एक घर ये तैयार हो गया जी एच ब्लॉक में, इसके साथ साथ ये दो घर हैं जो स्टार्ट हो गए हैं एच ब्लॉक में। ये पूरी लाइन तैयार हो रही है जी घरों की, ये एच ब्लॉक में पूरी लाइन ये घरों की तैयार हो रही है। एक ही बंदा ये सारे घर बना रहा है और वो एज अ विला बना के तो इनको सेल कर रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कितने लोग यहाँ पे जो है ना वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं यहाँ पे घर। ये सामने देख लें बना हुआ है, पूरा ब्लॉक एक जैसा है, इसमें कोई गलियों में डिफरेंस नहीं है और इसी वजह से पूरे ब्लॉक का जो है ना वो ऑलमोस्ट रेट भी सेम है। ये देखें जी, देखें आज की वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत है जो ओवरसीज है, जो फिज़िकली यहाँ पे नहीं है वो अपना देख सकते हैं कि हमारा प्लॉट किस तरह का है, कहाँ पे है और आया उसमें कोई चेंजिंग आई है उस ब्लॉक में कि नहीं आई है। इसमें काफ़ी कुछ इस वीडियो में जो है ना वो आपको नज़र आएगा। ये जिस कैटेगरी में फिर रहा हूँ ये सारी के सारी पाँच मरला की कैटेगरी है जी, ये सारी पाँच मरला, ये सारे जो है ये पाँच मरला के घर तैयार हो रहे हैं। तो उसके अलावा जी मैं अगर आपको दिखाता चलूं तो ये एच ब्लॉक में अब जिस कैटेगरी में जा रहा हूं वो सात मरला की कैटेगरी है, ये सारी जो है ये सात मरला की कैटेगरी है ये वाली। और अगर मैं दिखाऊं ये सामने जहां पे लड़के वगैरह खड़े हुए हैं ये खेल रहे हैं तो ये सारी सामने दस मरला की कैटेगरी है और इसी के पीछे कनाल की कैटेगरी है। ये एक छोटा सा पार्क है जी और ये सारी की सारी जो है ये दस मरला की कैटेगरी है और इसके पीछे जो है ये एक कनाल की कैटेगरी है जो मेन बुलेवार्ड पे है, फ्रंट जिसका कमर्शियल पे होगा ये वाली एच ब्लॉक में। चले आए जी नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं और अब आपको दिखाता हूँ जी नेक्स्ट ब्लॉक जो है ना हमारे पास कौन सा है और वहाँ पे अभी क्या सिस्टम है।
अच्छा, अब हम जो है वो सेक्टर सी में आ गए हूँ मैं। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये फूड कोर्ट की कंडीशन है जी, देख लें। लास्ट वीडियो में जो आपको फूड कोर्ट दिखाया था वो इतना तैयार हो रहा था और ये काफ़ी हद तक जो है ना 80% अब तैयार हो गया है और बड़ा ही खूबसूरत फूड कोर्ट है। इधर देखें दरख्त बड़े प्यारे इन्होंने लगाए हैं खजूर के। और एक और मज़े की डेवलपमेंट अगर आपको दिखाऊँ ना यहाँ पर, तो ये देखें जी, ये इन्होंने अभी जो है ना बड़े ज़्यादा यहाँ पर दरख्त लगाए हैं सी ब्लॉक में। ये बड़े ज़बरदस्त इन्होंने जो है ना मज़ेदार से दरख्त लगाए हैं। तो आज ये काम करते हैं जी, हम दूसरी साइड से चलते हैं। मस्जिद का काम भी जी शुरू हो गया है और मस्जिद को इन्होंने अब जो है ना वो तेज़ी से कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें जी, अब हम जा रहे हैं चढ़ाई की तरफ और ये डी है दो कनाल सारा यहाँ पे जी। ये बड़ा प्यारा घर एक बन रहा है, ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बड़ा ही खूबसूरत कोई बंदा घर बना रहा है और बड़ा ही ज़बरदस्त बना रहा है, आइडियल लोकेशन पे आइडियल घर बना रहा है। लोकेशन तो खैर पार भी होगी जी, आपको पता है कि सारी की सारी ही आइडियल है और इस वजह से जो है ना यहाँ पर जो भी घर बनता है वो बड़ी ही प्यारी लोकेशन पर बनता है, बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन पर बनता है। तो अभी ठहर जाए ज़रा, मैं आपको ना दिखाता हूँ जो ये घर बन रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये लोकेशन, जिस लोकेशन पे ये बंदा जो है ये घर बना रहे। और ये हम ऑलमोस्ट जो है ना इसके घर के पास पहुँच गए हैं। सामने पार्क है जी इसके घर के, ये सारा पार्क है और बिल्कुल लगता है कि बंदा किसी बाहर के मुल्क में जो है आगे यहाँ पे। और ये बड़ा ही प्यारा ये घर तैयार हो रहा है, ये नीचे से भी जी नज़र आता है, फूड कोर्ट से भी, आगे पीछे से भी। तो मोस्टली लोग जो है वो देखते हैं और पूछते हैं कि यार ये घर कौन बना रहा है, बहुत ही प्यारा घर बना रहा है। तो आए आपको जो है ना वो आगे मज़ीद दिखाता हूँ कि यहाँ पे मज़ीद जो है वो क्या कुछ बन रहा है और क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, मज़ेदार चीज़ जी, अब आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ना वो है जी ई ब्लॉक, ठीक है, जो सारा कनाल का है ना, आप वो देखें और फिर उसके बाद एफ़ देखना और देखना कि कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। एफ़ तो ऑलमोस्ट जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया है और आपको मैं ठहर जाए ज़रा दीदार कराता हूँ पहले ई का, जिसमें रोड्स कारपेट हो रही हैं और कम्प्लीट पोजेशन हो गया है। ये देखें जी, ये चेक पोस्ट भी बन रही है, मतलब गेट की एंट्री बन रही है ई ब्लॉक की, और साथ आपको एक कारपेटेड रोड अब नज़र आ रही हैं। आज इन्होंने हल्के फुल्के फुटपाथ बनाने हैं और बड़ी ही प्यारी लोकेशन में जो है ना इन्होंने सारा का सारा बना देना है। यहाँ से जो व्यू आता है ना ई से, वो कहीं से भी नहीं आता। ये जो टेरिस प्लॉट जो यहाँ पर बनाएंगे ना लोग घर, वो कमाल के घर होंगे। ये देखें जी, ये ई ब्लॉक गलियां आपको कारपेट होती हुई भी नज़र आ रही हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं। ये एफ के जी बड़े प्लॉट्स आ गए, कनाल के प्लॉट्स, और इसका भी कारपेट हो गया है, खंभे तो पहले ही लग चुके थे। ये देखें जी एफ की सूरत हाल, अब आप जो है ना आपको सही फोकस इसमें पता लगेगा कि एफ की इस टाइम जो है वो क्या कंडीशन है। और मैं यह हाइट से ज़रा आपको दिखाता हूँ एफ़ की, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे जो है ना वो काम किस तरीके से हो रहा है। ये देखें जी, ये देखें, कारपेटर उन्हें रह गई है, बाकी जो है ना खम्भे शम्भे लग गए हैं। एफ़ की जी बहुत ही मज़ेदार सी शक्ल निकल आई है। अब यहाँ पे प्लॉट कन्फर्म ही नहीं होता, लोग बेचते ही नहीं हैं यहाँ पे प्लॉट, और जिन लोगों को मैंने ले के दिए हैं वो तो फ़ायदे में रह गए हैं, और जिनको जो है वो जिन्होंने नहीं लिए, जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वो अब देख लें जी इसकी शक्ल, और इंशाल्लाह इसको एक से डेढ़ महीने में जो है वो पोजीशन मिल जाएगा। और एफ़ की बड़ी ही प्यारी शक्ल निकल आई है, कंप्लीट है ऑलमोस्ट ये सारा का सारा ब्लॉक, खम्भे शम्भे इन्होंने लगा दिए हैं, सेवरेज सारी डाल दी है, बिजली के कनेक्शन होने रह गए हैं, और रोड्स आपको पता है कि ये पोजीशन के बाद कारपेट करते रहते हैं, तो फुटपाथ वगैरह बनने रह गए हैं। तो
बल्कि मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ, ये मेरे जो है वो अजीज हैं, क्लाइंट है मेरे, मैं उनका आपको जो है ना इंटरव्यू देता हूँ और उनका दिखाता हूँ आपको। ये खड़े में हैं शाकिर भाई। अच्छा, अब मैं मौजूद हूँ जी शाकिर भाई के साथ, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बंदे हैं, और इनको जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाई थी, तो मुझे अभी ये अचानक यहाँ पे जो है ना वो नज़र आ गए, तो मैंने कहा कि क्यों ना इनका इंटरव्यू एक जो है ना वो डाला जाए बीच में। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि शाकिर भाई के क्या ख्यालात हैं इस ब्लॉक के बारे में और कैसी रही उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने का एक्सपीरियंस कैसा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शाकिर भाई जी हमारी बड़ी जानी पहचानी एक शख्सियत हैं, PTV में बहुत अच्छा इनका नाम है, और ये इनको जो है ना मैंने यहाँ पे साल पहले जो है वो प्लॉट लेके दिया था एफ ब्लॉक में। तो शाकिर भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस और बताएं क्या आया, ये इन्वेस्टमेंट कैसी थी, अच्छी रही नहीं अच्छी रही, सारा कुछ आप प्लीज़ डिटेल में बताएं। बहुत अच्छी रही, मैं तो अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि साल पहले जो चीज़ इतनी सस्ती मिली और अब इतनी तेज़ी से इनका काम हुआ, और ये एफ सेक्टर आपने कहा था कि ये सबसे अच्छा बनेगा और ये वाकई सबसे अच्छा बना, देख के इतना खुश हो रहा है। मुझे लग रहा है ये ए बी और एच जो है एच हमारा ब्लॉक, उससे भी रेट इसकी क्रॉस कर जाएंगे, और इसकी जो लोकेशन है ना ये चारों तरफ से खुला है, ओपन मरीज तक के वार्ड नज़र आते हैं, बाकी सेक्टरों में ऐसा नहीं है। बहुत मज़ा आया हमजा भाई, बल्कि दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए कि आपने, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त मैं आया था और आपने प्लाट लेके दिया था, नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस नहीं थी इसके ऊपर, और अब आपके सामने ये स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, ये मशीनरी है, मेरे ख्याल ये महीने के अंदर अंदर पोजेशन हो जाएगा, मकान बनाने के काबिल हो जाएंगे लोग। तो शाकिर भाई अभी आप क्या देखते हैं आगे जो है वो पार्क व्यू का फ्यूचर किस तरह का है, और क्या लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? नो डाउट पार्क व्यू जैसी सोसाइटी पूरे इस्लामाबाद क्या बल्कि मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान में भी नहीं होगी, इतनी खूबसूरत हिली और ओपन, सारा नेचुरल है, सारा कुछ डेवलपमेंट इनकी बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल बैरियर इनक्लेव DHA और ताज रेजिडेंशिया के लेवल की डेवलपमेंट है इनकी, और बिल्कुल जो इस्लामाबाद में अच्छी सोसाइटी है मेरे ख्याल गुलबर्ग ग्रीन और ये पार्क व्यू, और ये मेरे ख्याल डेवलपमेंट के हिसाब से तीसरा नाम ताज रेजिडेंशिया का भी आता है, इक्वल टू बल्कि उनसे बेहतर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास मुश्किल टास्क था जो इन्होंने प्रूव किया। थैंक यू सो मच शाकिर भाई, इंशाल्लाह दोबारा आपसे जो है ना वो होगा एक और इंटरव्यू जिसमें आपकी मजीद जो है ना वो हम राय लेंगे। तो थैंक यू सो मच शाकिर भाई। अच्छा जी, ये था जी हमारे शाकिर भाई का इंटरव्यू, और उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो रिव्यू दिया, और ये मजीद जी घर, ये विलास जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाए थे, ये आप देख सकते हैं बी ब्लॉक में 10 मरला की कैटेगरी, यहाँ भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, ए ब्लॉक में प्लॉट्स अवेलेबल हैं, ये गेट 2 आ गया जी जिसके ऑपोजिट ओवरसीज ब्लॉक बन रहा है, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है ना हम लोग आपको ओवरसीज ब्लॉक भी दिखाया करेंगे बाकी ब्लॉक्स के साथ साथ। अच्छा जी, आज जो है ना एक डिटेल विजिट आपको करवाया है जी हर ब्लॉक का, और अपने एक मेरे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही अच्छे भाई शाकिर भाई, उनका भी मैंने इंटरव्यू इसमें डाला कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। उनको जो है वो मैंने ही यहाँ पे परचेजिंग करवाई थी, तकरीबन एक साल का टाइम हुआ है बल्कि शायद इससे भी कम, तो उन्होंने जो है बड़े अच्छे टाइम पे जो है यहाँ पे प्लॉट लिया था, और इस टाइम बहुत ही अच्छा इंक्रीज कर गया है उनके प्लॉट का रेट, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश थे और मुतमिन थे। तो देखें जी, हर चीज़ का ना एक टाइम होता है जब वो अपने टाइम पे जो है इंक्रीज़ करते हैं कीमतें उसकी, तो
पहले जो है लोग बहुत मायूस हुए कि जी यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर रही, रीसेल इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके बाद अचानक यहाँ पे इतनी अच्छी रीसेल होगी और प्राइसेस इतनी अच्छी इंक्रीज कर गई। सेम यही केस जो है वो ओवरसीज़ के साथ भी होगा कि ओवरसीज़ में भी जो है वो अभी आप देखें तो लोग खुश नहीं हैं इतने, प्राइसेस के जी इंक्रीज नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ कि एक टाइम आएगा जब पार्क व्यू में बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो ओवरसीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, लेंगे। तो अभी इनिशियल बुकिंग्स है जी, आप लोग कराएं अपनी बुकिंग्स और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपको इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो बहुत से लोग जी करा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें ओवरसीज़ ब्लॉक में, तो डेफिनेटली इतने लोगों की जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो ज़ाया नहीं कभी भी जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा उन लोगों को। और आज का व्लॉग जो है वो मेरा इतना ही है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो है ना मैं फिर आपके साथ हाजिर हूँगा जिसमें आपको मज़ीद कुछ चीज़ें बताऊँगा और कमर्शियल की अपनी जी डिटेल्स मैं लाजमी बताऊँगा क्योंकि कमर्शियल हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत किस्म का, तो उसकी डिटेल्स जी मैं आपको दूँगा कमर्शियल की। और कमर्शियल जी उसमें इन्वेस्ट करें, यहाँ पर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम लोग जो है ना अब उसके रेट्स भी चेंज कर रहे हैं कुछ दिनों में, और नए रेट्स इंशाल्लाह आने वाले हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे कुछ टाइम तक। और हमारी कोशिश है कि वो जो कमर्शियल है ना उसको हम टाइम से पहले डिलीवर करें क्योंकि हम अपना ऑफिस भी वहीं पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारी जो कोशिश है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर हम अपना ऑफिस वहाँ पे कंप्लीट शिफ्ट कर दें और वहाँ पे नीचे जो शॉप्स है ग्राउंड की वो सारी की सारी हम टेक ओवर कर लें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी स्पेशली उन लोगों को जो ओवरसीज़ हैं और वो अपना प्लॉट नहीं देख सकते, नहीं उनको पता चलता कि हमारे प्लॉट की क्या प्रोग्रेस हुई हुई है। उन लोगों के लिए जी बहुत ये वीडियो में उम्मीद है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा हाजिर हूँगा कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपने व्लॉगर हमजा जी को इजाज़त दें और प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लोग मोस्टली सब्सक्राइब नहीं करते तो उनको अपडेट वीडियोज़ नहीं मिलती है। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरा चैनल तो आपको जो है वो हर बार नोटिफिकेशन आ जाएगा और वैसे भी मैं आपको जो है वो नज़र आता रहूँगा आपकी वॉल पे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।